20,000 का। मैंने उनको बोला कि मैं 7,000 से 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने वाली हूँ इस लहंगे का। वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संगीता नेगी ब्लॉग्स में। आज मैंने बहुत टाइम बाद उठा लिया अपना फोन और कर लिया कैमरा ऑन। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है जो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैं सोचा आज बहुत टाइम बाद मैं फोन उठा रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो सोचा मैं क्या थोड़ा सा रेडी शेडी हो जाते हैं। तो जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ, मैंने नाश्ता करा जस्ट अभी अभी, फिर उसके बाद मैंने रियांश को उठा दिया। रियांश यहाँ पे सो गया है मेरा। तो अब क्या है वीडियो में वो तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी लगेगा आगे पता क्या है वीडियो में। तो चलो ज़्यादा बात ना करके चलते हैं वीडियो की ओर और करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। मैं जो वीडियो आज का है मैं बता देती हूँ, जो आज का वीडियो है वो मैं वो बनाने जा रही हूँ, मेरा लहंगा जो है वेडिंग लहंगा। लॉकडाउन में लहंगा लेना बहुत मुश्किल था, लहंगा ही क्या हर चीज़ लेना बहुत मुश्किल था। मेरी लॉकडाउन में शादी हुई थी 2020 में, मैं आपको बता दूँ। तो चलो फिर ज़्यादा बात नहीं करते, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, दिखाते दिखाते ही बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को एक जगह कर देती हूँ सेट, बिकॉज मेरा ट्राईपोड जो है वो कप का टूट गया है। तो ये है वो मेरी शादी का लहंगा जो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से कर रखी थी, पर इसको मैं थोड़ा सा क्योंकि बेड में रखे रखे भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना, सीधे सीधे सा हो जाता है। तो मैंने इसको बेड में रखा हुआ था अपने, तो मैंने इसको आज ही निकाला है आपको दिखाने के लिए। इसका प्राइस का कॉस्ट कहाँ से लिया है फुल एड्रेस मैं आप लोगों को दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी मैं इसका कि मैंने कहाँ से लिया। जिस जिसको बाय करना होगा वो बाय कर सकता है, जो फरीदाबाद से हैं वो तो ईजिली बाय कर सकते हैं बिकॉज बहुत ही सस्ता लहंगा है। ये है मेरा ब्लाउज, ये ब्लाउज था, उन्होंने मुझे स्टिच करके नहीं दिया था शॉप वालों ने, ये मैंने खुद ही स्टिच करवाया था अपना अलग से। मेरी मासी हैं एक, वो टेलर हैं, तो उनसे स्टिच करवाया था। बहुत ही अच्छी फिटिंग है इस ब्लाउज की, मेरे को अभी तक बिल्कुल फिट आता है, बल्कि मैं मोटी हो गई तब भी। तो ये जो था बॉर्डर ये तो लहंगे के साथ ही आया था, ये बाजू है इसका, और ये जो इसकी लेस है ये मैंने खुद अपने हाथों से पूरा एक दिन लगा था मुझे इसे लगाने में। ये मशीन से नहीं लग सकती थी क्योंकि मशीन नहीं पकड़ पाती थी इसको, ये आगे पीछे ये पूरा जो है ये हमने खुद हाथ से लगाया है मैंने। और पैडेड ब्लाउज है इसका, पैडेड ब्लाउज ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छे तरीके से सिला हुआ है इस ब्लाउज को कि फिटिंग बहुत अच्छी है। और ये इसको चैन भी लगाया था मेरी मासी जी हैं जो, उन्होंने ये ऐसे ये पूरी बंद हो गई है। और जो ये लटकन थी ये मुझे लहंगे वालों ने ही दी थी, उन्होंने प्रोवाइड करी थी लहंगे के साथ ब्लाउज के लिए। तो देख सकते हो आप ऐसा है कुछ ये। देन उसके बाद उन्होंने मुझे क्या करके दिया था, मैंने कोई भी कॉस्टमाइज नहीं करवाया था, उन्होंने बस मुझे अपनी तरफ से ये लैस दी थी जो बिल्कुल ऑफकोर्स फ्री थी। फ्री तो कुछ भी नहीं होता है आज के डेट में, कोई कुछ नहीं देता आप लोगों को फ्री। तो ये लैस उन्होंने खुद लगाई थी, इसका मैंने एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं दिया था, ये वाली लैस मैंने खुद लगाई थी। और ये मैं पूरा दुपट्टा नहीं खोल सकती बिकॉज पिनअप कर रखा है ये मैंने, जब भी मेरे को पहनना होता है इजीली मैं ऐसे डालती हूँ और अपना पहन लेती हूँ। ये पूरा पिनअप कर रखा है मैंने क्योंकि ये मैंने पिछले बर्थ में भी पहना था अपने करवा चौथ के बर्थ में, और उससे पिछले महीने था पिछले साल तो ये नेल पेंट भी लग गया था इसमें, ये दिख रहा होगा आपको ये लग गया था। तो इसका प्राइस क्या है अभी रिवील करती हूँ मैं थोड़ी देर में, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका दुपट्टा भी मतलब लेंथ वगैरह इसकी आधी लेंथ ये है देखो, और आधी लेंथ ये है, मतलब लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है पूरा आपको। ये तो हो गया हमारा दुपट्टा। देन उसके बाद है ये लहंगा, बहुत हैवी है, जब मैं फेरों में बैठ रही थी इसे पहन के तो मैं सीरियसली बताऊँ तो बैठा नहीं जाता क्योंकि इसकी कैन कैन है, ये बहुत ज़्यादा अड़ रही थी बैठने में। तो मेरी सिस्टर थी उसने और मेरे हस्बैंड ने इस लहंगे को पता नहीं कैसे कैसे करके पकड़ा था,
तब जाके मैं बैठी थी, और बैठ गई थी तो फिर उठ नहीं पा रही थी, इसलिए ये इसका ऊपर का है कमर, कमर मैंने एक्स्ट्रा रखवाई थी बिकॉज शादी के बाद ऑलमोस्ट जो गर्ल्स है वो मोटी हो जाती है, तो मैंने एक्स्ट्रा रखवाई थी। उस समय मेरी 28 कमर थी और आज मेरी 33 कमर है, तो कितना डिफरेंट हो गया ना। तो मैंने इसकी 34 रखवाई थी कमर, क्योंकि थोड़ा लूज चलेगा लेकिन आगे के लिए भी हमें सोचना चाहिए। और ये डोरी ये लटका इन्होंने खुद लगा के दी थी, ये लहंगा जो है ये खुला वो खुला आता है ना, ये इन्होंने मुझे खुद स्टिच करके दिया था, ये मैंने एक्स्ट्रा स्टिच नहीं करवाया था ना, मैंने इसके एक्स्ट्रा पैसे दिए थे जो थे इसी में इंक्लूड था। तो इसका वर्क ना बहुत मतलब हाथ का काम किया हुआ है बिल्कुल, मतलब स्टोन्स भी है ना इसके, अभी तक एक भी स्टोन्स नहीं निकले, जो स्टोन है ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा ग्लू यूज किया हुआ है, ये अभी तक नहीं ही निकले हैं। और ये बहुत भारी है, मुझे खड़े होकर दिखाना पड़ेगा, ये है लटकन आप पास से देख लो, ये है लटकन इसकी। मैं इसको 2 से 3 बार पहन, 2 बार पहन चुकी, एक बार शादी में और 2 बार वैसे अपने घर के फास्ट पे। ये है इसका नीचे का बॉर्डर घेर, देख सकते हो आप इसका, ये है इसका घेर। लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, एक ही लाइट है मेरे कमरे में इसलिए आपको ज्यादा सही से नहीं दिख पा रहा होगा। अब मैं इसके लेयर कैन देख सकते हो, मतलब कैन कैन भी ऐसी नहीं है कि हाँ बिल्कुल आर्टिफिशियल वाली है, बेकार वाली है, बहुत ही अच्छी कैन कैन है, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारी कैन कैन है, मतलब बहुत गिर जा रहा है मेरे से ये। अब मैं इसको इजीली कैरी कर लेती हूँ, उस समय मैं जिस समय मेरी शादी हुई थी तो मैं भी उस समय पतली थी कमजोर थी तो नहीं कैरी कर पा रही थी, अब पहन लेती हूँ इजीली, पर ये थोड़ा चलने में दिक्कत हो जाती है, बाकी सब कुछ अच्छा है इसका। ये इसका बैक साइड है, बैक से फ्रंट तो से। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो मेरा लहंगा है ये मुझे फुल कॉस्ट कितने का पड़ा था, ये मुझे उन्होंने बताया था 19,000 का, मुझे हंसी आ रही है अभी बताने में कि मैंने कितने का लिया है। तो ये लहंगा उन्होंने मुझे बताया था 19,000 का, मैंने उनको बोला कि मैं 7,000 से 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने वाली हूँ इस लहंगे का, क्योंकि ये इतना अच्छा भी नहीं है और मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ से ले रही हूँ, बिकॉज चांदनी चौक में अभी ये रिस्की भी हो सकता है, नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस वगैरह भी पकड़ सकती है हमें, तो और वैसे भी मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने अपना एंगेजमेंट का लहंगा ना मैंने वहीं से लिया था, वहीं से बाय किया था, उनकी दूसरी शॉप थी वो, उन्हीं की थी मतलब दूसरी थर्ड थी थोड़ी आगे जाके, तो वहाँ से बाय किया था मैंने ये। तो उसके बाद मैंने ये लिया तो मैंने बोला मैं 7,000 से 1 भी रुपये नहीं एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, तो उनको मतलब शॉक से लग गया था कि हाँ ये कैसे बोल रही है इतने कम दूंगी, तो मुझे बोलते थे नहीं बेटा इतना भी नहीं हो पाएगा, आप बहुत कम कर रहे हो, चलो हमें 12 दे देना। मैंने कहा 12 की तो मैंने बात करी नहीं, 12 मैं नहीं दे सकती, मैं 7 ही दूंगी। और मेरा ये था कि मैंने 20,000 रुपये रखे हुए थे अपने लहंगे के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने चांदनी चौक जाना है और चांदनी चौक से मैंने लहंगा ज्वेलरी सब कुछ उधर से ही बाय करना, ये था कि लहंगा मुझे अपना ही लेना था, मुझे रेंट का लहंगा नहीं लेना था, बिकॉज जितना आप रेंट देते हो उतने में तो आप अपना ही ले सकते हो 2 पैसा एक्स्ट्रा लगा के। तो उनसे मतलब आप कभी भी मार्केट जा रहे हो, मार्केटिंग करना आती है आपको, तो अगर वो आपको जो रेट बताते हैं ना आप उससे आधे से नीचे आओ, क्योंकि उन बार्गिंग करने वाला आपके साथ एक बंदा होना चाहिए क्योंकि जिसको बार्गिंग अच्छी करनी आती हो, तो जितना वो बताते हैं उससे आधे से नीचे आओ आप, तब जाके वो आपको आधा डिस्काउंट देंगे, अन्यथा आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो मैंने ऐसे बोला, करते 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 हमने फिर ये जो लहंगा है मैंने 8,000 रुपये दिए, मैंने बोला मैं इससे अब 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने वाली हूँ, 1 रुपये भी नहीं देने वाली हूँ एक्स्ट्रा, बस 7,000 मैंने बोला था, 1,000 में मैं आ गई हूँ, तो मैं अब इससे ज़्यादा 1,000 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगी आपको। तो वो मान गए, मुझे नहीं पता वो कैसे मान गए, तो बट वो मान गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपको अलग चार्ज पे करने पड़ेंगे इसको स्टिच वगैरह करवाने के, सब कुछ करवाने के। तो मैंने बोला तो रहने दो, तो फिर 7,500 उसके लो और 500 इसके ले लो, मेरे से 8,000। तो मैंने 8,000 में ही सब कुछ करवाया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। हाँ ब्लाउज मैंने अलग से स्टिच करवाया है, ब्लाउज की सिलाई वैसे मेरी मासी जो है वो 600-700 रुपये लेती हैं ब्राइडल ब्लाउज की सिलाई, पर मेरे से उन्होंने 350 रुपये लिया था, बिकॉज वो हमारे रिश्तेदार हैं दूर की, तो उन्होंने मेरे से ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे। तो मैंने उनको बोला भी था कि आपकी जो प्राइस है आप मेरे से वही लो, मम्मी ने भी उनको काफ़ी बोला था, उन्होंने बोला नहीं आपके हमारे अपने घर की बात है तो हम नहीं लेंगे इतना, आप इतना ही दे दो। तो उनको मैंने 4-5 जोड़ी सूट भी सिलवाए थे, 2 3 ब्लाउज सिलवाए थे, लहंगा भी स्टिच करवाया था एक, तो 21-2200 रुपये दिए थे मैंने उनको पूरे ही। तो
तो ये लहंगा मेरा है पूरा 8,000 का, और मतलब 8,500 का मुझे लहंगा पड़ा है, ये ब्लाउज लगा के सब कुछ लगा के सब कुछ, तो मेरा ये हम मुझे पड़ा है 8,000 का। सो कर दिया मैंने रिवील कहाँ से लिया है। जो जो फरीदाबाद से हैं उनको पता है एक नंबर मार्केट कहाँ पर है, एक नंबर मार्केट चांदनी चौक वाली दुकान सबसे बड़ी दुकान है वो पूरे मार्केट में है, और उनके दो दुकानें हैं, एक थोड़ा राइट हैंड में पड़ता है मार्केट के अंदर एंटर करते ही, दूसरा पड़ता है लेफ्ट हैंड की तरफ मार्केट के अंदर एंटर करते ही, जो राइट वाला पड़ेगा उससे आगे 2-3 कदम आप आगे चलोगे तो बस वहीं सामने ही दिख जाएगा आपको लेफ्ट हैंड की तरफ। तो जो जो फरीदाबाद से वो इजीली बाय कर सकते हैं अपनी शादी के लिए। अब तो और भी अच्छा कलेक्शन आ गया है, मैंने अपनी देवरानी का लहंगा भी वहीं से बाय करा था अभी पिछले साल ही, पिछले जून में, तो उसका लहंगा मेरे से थोड़ा सा महंगा था, और वो लहंगा काफ़ी अच्छा भी है, इससे भी अच्छा है वो लहंगा। मेरी बारी में तो ऐसा था, लॉकडाउन में थी मेरी शादी, लॉकडाउन था उस टाइम पे, एक साइड की दुकान खुल रही थी एक साइड की नहीं खुल रही थी, तो मेरी मजबूरी थी इसको लेना, वरना मैं अभी बहुत अच्छा लहंगा लेती अगर मैं चांदनी चौक जाती, क्योंकि चांदनी चौक में आपको कलेक्शन देख देख के आप ऐसा करोगे हाँ कहाँ पे आ गए हम तो जन्नत में आ गए ऐसा, मतलब बहुत ही अच्छे कलेक्शन है आजकल तो। सॉरी, चांदनी चौक वाले आजकल तो आपको ऑनलाइन घर घर बैठे भी भिजवा सकते हैं, बट ये है कि खुद जाके लेके आओ, अपना देख भी सकते हो, बार्गिंग भी कर सकते हो, मेरा मानना तो है। और ज़्यादा महंगा नहीं लहंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी होती है, क्योंकि शादी के बाद मैंने ये 1 बार 2 बार पहना है और मेरा बेड में ही ऐसे पड़ा हुआ है, सबके ही पड़े रहते हैं मेरा ही क्या। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं प्यारे से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे पोस्ट करूँ तो मुझे ज़रूर बताना, अगर आपको मेरी ब्राइडल हील, ब्राइडल चूड़ा और ब्राइडल ज्वेलरी भी देखनी होती थी तो उसके लिए कमेंट कर देना, तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो इसके लिए भी मुझे किसी ने किया था कमेंट, आई थिंक पता नहीं किसने किया था मुझे कमेंट, तो मैंने तब भी सोच लिया था कि हाँ मैं कभी बनाऊंगी बनाऊंगी, बहुत पहले किया था मतलब, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते पूरा 1 ईयर से ऊपर हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो मुझे पता नहीं किसने किया था कमेंट, मुझे याद भी नहीं है, वो कमेंट होगा भी नहीं होगा मेरे पास, पर किया था, तो फिर मैंने बोला चलो बनाएंगे, क्योंकि तब मैंने ना वो बनाया था अपने वेडिंग एल्बम का बनाया था, अपनी एनिवर्सरी के टाइम पे अपने वेडिंग एल्बम का वीडियो बनाया था, तभी किया था किसी ने मेरे को कमेंट कि आप अपना लहंगा लहंगा दिखाना, तो डिमांडेड वीडियो थी तो मैंने अपना कर दिया है पूरा, वीडियो लेके आ गई मैं आप लोग ले, तो नेक्स्ट वीडियो मुझे जरूर बताना किस चीज़ पे पोस्ट करना है, मिलते हैं प्यारे से नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, लव यू ऑल।